स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने 3-4 लेक्चर पढ़े हैं अभी तक इसके, ठीक है। शायद 4 लेक्चर आ चुके हैं। पहले में तो इंट्रोडक्शन था, 2 वीडियो तो इलेक्ट्रॉन पर गई थी और 1 गई थी हमारी एनोड रेस पर। हाँ, तो 4 वीडियो हो चुके हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 5, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा बस, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि एनोड रेस अराइज कैसे हुई, कैसे गैसेस का आयनाइजेशन हुआ जब इलेक्ट्रॉन्स ने उनको हिट किया। जब इलेक्ट्रॉन्स ने उनको हिट किया तो उन्होंने पॉजिटिव आयन बनाए गैसेस के, और वो पॉजिटिव आयन जो हमारा कैसा था, जो हमारा हल्के से डॉटेड वाला क्या था, डॉटेड वाला जो हमारा कैथोड था उससे कैनल्स बना करके क्या हो गए, निकल गए। और अपोजिट फेस पर जो ZnS की हमारी क्या लगी हुई थी, जिंक सल्फाइड की जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट थी उस पर चमक उन्होंने पैदा की। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, उन्हें भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके बाद उनके सामने भी हम लोगों ने कुछ पेडल ला करके रखे, तो हमें सारे रिजल्ट एस इट इज मिले जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉन के लिए मिलते थे, ठीक है। वो भी डिफ्लेक्ट हुई बट अलग पोल की तरफ, ठीक है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने बोर्ड में एक बार लिख दी है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। पहली क्या थी कि दे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब हम लोगों ने उसके सामने क्या रखा था, कुछ भी ला करके रखा था तो उसकी इमेज फॉर्म हुई थी पीछे, और इमेज फॉर्म होने का केवल एक मतलब था कि जो भी रेस है वो कैसी चल रही है, एक सीधी लाइन में चल रही थी। दूसरा क्या था कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे डाइवर्ट फ्रॉम दियर पाथ, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो एनोड रेस पॉजिटिव चार्ज थी तो पॉजिटिव प्लेट से दूर भागती थी और निगेटिव टर्मिनल के पास भागती थी, जो कि हमें क्या बताता था कि इनके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगली बात क्या थी, दे हैव मास एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है हाफ एमवी स्क्वायर, तो बिना मास के तो काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती थी। तो जब उनके सामने पेडल ला करके रखा गया तो पेडल क्या हुआ था, रोटेट हुआ था, जिससे हमें पता चला था कि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये वेव के साथ में रे का नेचर दिखाने के साथ साथ इनके पास में क्या है, ये पार्टिकल भी है, इनके पास में अपना मास है, एग्जिस्ट कर रहा है मास, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर पेडल रखा गया था वो कैथोड रे के सामने रखे वाले पैडल से काफी तेज घूमता था, जो हमें ये बताती थी कि भाई जो मास है ना वो इलेक्ट्रॉन्स से काफी बड़ा मास होने वाला है। चलो भाई आगे की कहानी क्या थी कि दे मेक फ्लोरोसेंस ऑन ZnS, ठीक है। जिंक सल्फाइड पे पड़ते ही चमक पैदा करती थी, ये बात आपको मेरे दूसरे लेक्चर से पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर जिंक सल्फाइड या फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे आता है तो वो क्या करता है, वो चमक पैदा करता है। और लास्ट बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे हम लोगों ने इस वीडियो को क्या किया था, क्लोज किया था, वो थी कि ई अपॉन एम इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द गैसेस टेकन इन द कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। जो कैथोड रे ट्यूब थी उसके अंदर जो मौजूद गैस थी उन पर डिपेंड कर रहा था क्या, ई अपॉन एम, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ई अपॉन एम जो था वो क्या था, कॉन्स्टेंट था, ठीक है। वहां पर हमने पढ़ा था कि ई अपॉन एम कॉन्स्टेंट था, यानी कि कोई भी गैस भरो, कैसा भी इलेक्ट्रॉन लो, डजंट मैटर। लेकिन यहां पर अगर हम अलग अलग तरीके की गैस लेते थे तो हमें ई अपॉन एम की वैल्यूज अलग अलग मिलती थी, ठीक है। अब हमें यहीं से बात को आज शुरू करनी है और इसे ले जाकर प्रोटॉन पे H+ पे ले जाकर के खत्म कर देना है, ठीक है। चलो भाई, तो बोर्ड को साफ करता हूं, जिसने पिछले लेक्चर को नहीं देखा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करना है केवल हमें किसे, E अपॉन M को। तो बेसिकली E अपॉन M था क्या, इलेक्ट्रॉन पर मास रेशियो, या इलेक्ट्रॉन ना बोलूं, E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, E का मतलब होता है यूनिट चार्ज, ठीक है। जब ई माइनस लिख देते हैं तब कहते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ई का मतलब होता है यूनिट चार्ज, वो चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि ई अपॉन एम का मतलब क्या था, तो ये था चार्ज पर मास रेशियो, चार्ज पर मास रेशियो। तो भाई देखो जरा ध्यान से, ये तो हमें पहले से ही प्रिडिक्टेड था कि जो हमारा प्रोटॉन का चार्ज होगा ना, जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, लेकिन साइन में उल्टा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे हम लोगों ने पढ़ा था E माइनस पे चार्ज पढ़ा था -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो अगर प्रोटॉन पे चार्ज कहें तो होगा प्लस का 1.6021, ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, × 10⁻¹⁹ कूलम। ये बात तो हमें पता थी। तो प्रोटॉन का चार्ज पर मास रेशियो, मास का मतलब क्या था, जो भी गैस ले रहे थे ना तो उसके गैस के एटम का जो मास था, अगर हम लोगों ने क्लोरीन ली तो Cl का मास, अगर हम लोग फ्लोरीन ली तो उसका मास, ठीक है। इस तरीके से अगर हाइड्रोजन ली तो हाइड्रोजन का मास। तो E अपॉन M का मतलब था चार्ज पर मास रेशियो। तो जाहिर सी बात थी कि जो मास था ना, ये मास,
ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट था, और ये बेसिक रीजन था कि E अपॉन M की वैल्यू कांस्टेंट ना करके क्या रही थी, वेरिएबल आ रही थी। समझे बात को पूरी तरीके से? तो इस E अपॉन M की जो वैल्यू थी ये डिपेंड किस पे कर रही थी, ये डिपेंड कर रही थी M पर, और इस E अपॉन M की वैल्यू M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों? क्योंकि M कहां था? डिनोमिनेटर में था, और डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होगा E अपॉन M की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, और डिनोमिनेटर जितना ही छोटा होगा E अपॉन M की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। या डिनोमिनेटर जितना छोटा फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती, ये तो कक्षा 7 से पढ़ रहे हो सब लोग, ठीक है। तो चलो भाई देखें, तो जब प्रैक्टिकल किए गए ना, वेरियस गैसेस ली गई, अलग अलग गैसेस ली गई, तो E अपॉन M की वैल्यू मैक्सिमम आई किसके लिए? ये वैल्यू मैक्सिमम आई फॉर हाइड्रोजन गैस, फॉर हाइड्रोजन गैस। पहली बात तो ये दिमाग में बनाओ कि E अपॉन M की वैल्यू हाइड्रोजन गैस के लिए सबसे ज्यादा आई, और ये वैल्यू आपकी कितनी थी? ये थी E अपॉन M 9.58, 9.58 इंटू 10 टू द पावर 4, और यूनिट क्या होगी भाई? कूलाम पर ग्राम, ठीक है, कूलाम पर ग्राम। तो भाई देखो ये वैल्यू जो आई ना, ये मैक्सिमम वैल्यू थी। अच्छा, E अपॉन M की वैल्यू का मैक्सिमम आना क्या बताता था? कि जो मास है ये मास सबसे छोटा है, ये बताता था कि मास जो है वो लीस्ट है, सबसे छोटा मास है। और उसके बाद में जब हम लोगों ने, मतलब कहने का क्या हुआ कि जब हम लोगों ने कैथोड रे ट्यूब ली, कैथोड रे ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कौन सी गैस भर दी? हाइड्रोजन गैस भर दी, H2 गैस। तो हमें E अपॉन M की वैल्यू ये मिली जो कि मैक्सिमम थी। तो यहां से हमें एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, और वो रिजल्ट ये था कि जो हमारा मास है ना इस गैस का, ये मिनिमम है, ये मिनिमम मास है, ठीक है। और मिनिमम मास होने का मतलब क्या था? कि ये अकेला ऐसा पार्टिकल था। अच्छा, चार तो सब पे बराबर आता था। क्यों बराबर आता था भाई? एक ही इलेक्ट्रॉन तो इमिट हुआ, आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, तो चार्ज तो एक पर्टिकुलर नंबर का ही मल्टीपल आ रहा था। ये लेकिन H2 के मिनिमम होने का मतलब क्या था भाई? जरा जो तोड़ के देखो, अगर हम लोग हाइड्रोजन ले लें A, और उस पर क्या करें, इलेक्ट्रॉन आया और उसने इसे क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए और बन क्या गया, H+। ये चीज नहीं समझ में आई है तो लास्ट वीडियो देखो, ठीक है, वहां पे आयनाइजेशन पूरी तरीके से क्लियर किया है मैंने। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन पे गिरा, उसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और H किस में कन्वर्ट हो गया? H+ में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज, जब ये सबसे छोटा सबसे हल्का एटम था, तो ये माना गया कि भाई ये प्लस चार्ज जो है H+, ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज सबसे कम मिनिमम वेट का, मिनिमम वेट का पॉजिटिव चार्ज है, ये मिनिमम वेट का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जितनी भी गैसें नॉन हैं, उनमें सबसे कम वेट का अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो H+ है, ठीक है। और इसी को बाद में क्या कहा गया? इसी को बाद में कहा गया प्रोटॉन। तो आप कहेंगे मिनिमम वेट, मिनिमम वेट कहो, वेट और मास दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो मिनिमम वेट की जगह क्या कर लो, मास कर लो। वेट करोगे तो फोर्स की बात आ जाएगी, ठीक है, तो मिनिमम मास का पॉजिटिव चार्ज करो, ये भी बात पूरी तरीके से सही है। तो प्रोटॉन का जो मास आता था ना, वो आता था 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है, -24 इंटू ग्राम, जाहिर सी बात है। और इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग कितने गुना ज्यादा था? 2000 गुना ज्यादा, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी? 1837 टाइम्स, ठीक है। ये जो वैल्यू थी, ये 1837 टाइम्स मोर देन थी किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हम लोग कहते कि प्रोटॉन, तो ये मान लिया गया भाई कि जितने भी पार्टिकल हमारे हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, वो एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिसका चार्ज कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। और ये रीजन है कि मैटर दुनिया का इलेक्ट्रिकली क्या पाया जाता है? न्यूट्रल पाया जाता है। और न्यूट्रल पाए जाने की यार एक कंडीशन और भी तो थी कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही क्या हो? प्रोटॉन हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, एक प्रोटॉन पर उसी के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का सम निकालो एक एटम के अंदर, तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां से यह बात भी पता चली कि भाई अगर हम क्या निकालें, अगर हम निकालें नंबर ऑफ प्रोटॉन
तो वो हमेशा बराबर आएगा किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसमें, इन अ न्यूट्रल एटम, किसी एक न्यूट्रल एटम के अंदर। अगर हम आयन की बात करेंगे, रेडिकल की बात करेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हुए होंगे। अब प्रोटॉन की पोजीशन का अभी कोई अंदाजा नहीं हमें, जब हम लोग रदरफोर्ड पढ़ेंगे तब पता चलेगा, जे जे थॉमसन पढ़ेंगे तो वहां की जो डिमेरिट्स है वहां से हम लोग आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को आता हो कि हाँ भाई प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और सर ने बिना बताए वीडियो को क्लोज कर दिया, तो भाई सबसे पहली बात अपने दिमाग में ये बनाओ कि ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी हैं, आप लोगों के लिए तो ही है, ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी हैं जो अभी स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो उनको सारी बातें एक एक करके मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो अगर आपको जानकारी है कि प्रोटॉन बीच में होता है और न्यूट्रॉन की बात अभी नहीं आई, और प्रोटॉन ये दोनों न्यूक्लियॉन्स होते हैं और ये न्यूक्लियस के बीच होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, सारी बातें अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा सा क्या रखना होगा, आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि मुझे सबके लिए वीडियोस बनानी है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक छोटे छोटे हैं इसलिए आप सबको आते भी हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे ही मैंने बार बार हर वीडियो में कहा है, जैसे ही मैं बोर के एटॉमिक मॉडल को क्रॉस करूंगा उसके बाद मैं सबका लेवल एक जैसा कर दूंगा। तो जो बच्चे, जिन बच्चों को इन बातों में कंफ्यूजन होती है, वो इन चीजों को बहुत अच्छे से बुक से पढ़ो, फिर से वीडियोस देखो। मैं हमेशा से YouTube पे अब पढ़ाने लगा हूं, जब से YouTube पर मैं पढ़ा रहा हूं तब भी मैं यही कहता हूं, किताबों का कोई विकल्प नहीं है, YouTube आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा, मैं यहां खड़ा होकर के आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, किताबों से इन चीजों को क्लियर करिए, अगर आप इन चीजों को क्लियर नहीं करोगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग कहां से मिले, हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और कोशिश करूंगा कि उन दोनों टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में क्या कर सकूं, कवर कर सकूं। हालांकि बुक्स अगर आप एनसीईआरटी की पढ़ोगे तो आपको इसके बाद जे जे थॉमसन मिलेगा, बट मैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको तीनों मॉडल्स करवाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं, चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।